हेलो क्लास, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ रहे हैं और चैप्टर का आपका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इससे क्वेश्चन अच्छे से बनते भी, ठीक है ना। तो ठीक से पढ़िए, ठीक से समझिए। अब यहाँ से सारी क्लासेस पेड क्लासेस हैं, ठीक है ना। आपको लिंक मिलेगा, जिनकी फीस डिपॉजिट होगी उनके पास लिंक पहुंचेगा, वो भी क्लास देख सकेंगे। हर व्यक्ति के लिए अभी अवेलेबल नहीं है ये, ठीक है ना। तो इस बात का अपना ध्यान रखिए, सभी लोग अपनी अपनी फीस को प्रॉपर जिस इंफॉर्मेशन में कही गई है उस पर सबमिट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अदरवाइज लिंक मिलने मुश्किल होंगे सबको, है ना, क्योंकि अब समय इसी तरह से पढ़ाई करने का, तो कब तक ऐसे पढ़ाया जाएगा, है ना। हर चीज़ें भी हैं और उस चीज़ को ध्यान भी देना, कोर्स भी कम समय पे कंप्लीट कराना है, टाइम पे सब काम होना भी चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की। तो सबसे पहले हम लोग टेंजेंट को सीखेंगे। टेंजेंट कोई कर्व होगा, जैसे मान लीजिए आपका ये कर्व है, दिस इज योर कर्व। इस कर्व के किसी पॉइंट पर इस कर्व को जो लाइन टच करती हुई निकल जाए, टच करती, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। अब जरा पहले इसको और तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कर्व है और इस कर्व को ये लाइन क्या कर रही है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या कर रही है? इंटरसेक्टिंग लाइन है जो पी और क्यू पॉइंट को कट कर रही है दूसरे को। अगर हम क्या करें, धीरे धीरे इस क्यू पॉइंट की डिस्टेंस को कम करते जाए पी के कंपेयर में। अब यहाँ क्यू ले आए इसे, अब डिस्टेंस और कम होगी, थोड़ा और कम किया, ये डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, क्यू और कम किया और क्यू यहाँ पे आ गया। एक पोजीशन आएगी जब हम क्यू को पी के ऊपर उठा के रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, ये टेंजेंट बन जाएगी। यानी जब कोई लाइन किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर अभी तक ये इंटरसेक्टिंग लाइन थी ना, तो दो पॉइंट पर कट कर रही थी, किसी एक पॉइंट पर टच करती है तो वो टेंजेंट कहलाती है। कब एक पॉइंट पर टच करेगी, जब ये क्यू शिफ्ट होते होते होते, जब यानी पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। जब डिस्टेंस बिटवीन पी और क्यू, दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगी, अगर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट कर्व को किसी पॉइंट पे टच करता है, क्या करता है, टच करते हुए निकलता है। इतनी बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब ये जो टेंजेंट है, ठीक, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है। तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगी, ऐसे अगर देखा जाए, तो ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, ठीक है। तो यहां पर एक बात आती, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, आपने 11 में पढ़ा था स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के स्लोप के बारे में पढ़ाया गया था, स्लोप का फॉर्मूला आपको बताया गया था, m इज इक्वल टू टेन थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट के बीच का पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको थीटा बोलते हैं। तो आपने स्लोप ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला पढ़ रखा है, एन इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब एक बात सुनिए ध्यान से, अगर ये मान लीजिए छोटा सा एक सेगमेंट है dx और ये सेगमेंट dy है, ये dx है और ये dy है, तो अगर इसने देखें tan थीटा का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्मॉल सेगमेंट की बात करें, देखें बड़ा फिगर जरूर बड़ा लग रहा है कि आपको ट्रायंगल बहुत बड़ा सा दिखाई दे, छोटा सा सेगमेंट अगर मान के चले कि ये डिस्टेंस ये x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस है, ये स्मॉल सेगमेंट में dx को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्मॉल सेगमेंट में dy को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू dy / dx कहलाएगा, क्या कहलाएगा। तो अगर हमने भी कहा कि टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट n इक्वल टू tan थीटा हो, तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, dy / dx के बराबर हो गई। तो यानी हमारे लिए एक बात समझ में आती है कि tan थीटा यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने का हमारे पास दो तरीका होगा। अगर हमको एंगल गिवन है, अगर हमें क्वेश्चन में एंगल गिवन कर रहे हैं कि दिस टेंजेंट मेकिंग एंगल xx विद x एक्सिस दिस समथिंग कुछ भी बोलेंगे, तो आप m इक्वल टू tan थीटा लगाएंगे। अगर एंगल नहीं देंगे तो आप dy dx का इस्तेमाल करेंगे। यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने का हमारे पास एक और मेथड आ गया, वो है dy / dx डिफरेंशिएशन, ठीक। तो हमें इसी टॉपिक को पढ़ना है, तो dy dx का मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अच्छे से बात को समझ लीजिएगा, नोट कर लिया होगा। अब आइए समझ रहे हैं, यहाँ पे सवाल देखते हैं, सवाल के मतलब पैटर्न समझते हैं।
हम टेंजेंट के क्वेश्चन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। अभी सिर्फ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की बात बाद में करेंगे, सिर्फ टेंजेंट। हम टेंजेंट के क्वेश्चन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। देयर आर थ्री कैटेगरी ऑफ द टेंजेंट, क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट्स। नंबर वन, व्हेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर गिवेन इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन। अगर हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, जैसे एक कार्बन बनाया है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, टी पॉइंट। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहा जाता है, ठीक, POC, याद रखना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो व्हेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे उन्होंने दे दिया आपको, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन में लिखा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिए गए, तो वो क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में आएगा, उसकी वैरायटी फर्स्ट टाइप में जाएगी, ठीक। दूसरा टाइप, व्हेन POC मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, व्हेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, व्हेन हाफ पॉइंट ऑफ, हाफ लिखते हाफ, हाफ मतलब आधा, हाफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर गिवेन, हाफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर गिवेन। हाफ का मतलब क्या हुआ सर, ये किताबों में नहीं लिखा है, हमें आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि सर किताब में ऐसा लिखा मिलेगा ना, ऐसा नहीं लिखा मिलेगा, वो आपको समझने के लिए। हाफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में कहें फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट व्हेन एक्स इज इक्वल टू, आपको एक्स की वैल्यू देनी है, व्हेन वाई इज इक्वल टू, मतलब आधी वैल्यू दे रहे हैं, एक्स बता दे रहे हैं वाई नहीं बता रहे, वाई बता दे रहे हैं एक्स नहीं बता रहे, इसको बोले हाफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर हो गया ना। तो जब हाफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन होगा तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, उसको देखेंगे। और तीसरी वैरायटी है व्हेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर नॉट गिवन, जब सवाल में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं गिवन होगा, यही इंपॉर्टेंट सबसे है, एक नंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट, लेकिन मेन क्वेश्चन टॉप में यही वैरायटी है, जब आपको क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं गिवन करेंगे। यानी हम टेंजेंट को तीन वैरायटी में पढ़ने जा रहे हैं। एक वैरायटी क्या है, व्हेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर गिवन इन द क्वेश्चन, जब आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन कर देंगे तो वो फर्स्ट क्वालिटी होगी, फर्स्ट टाइप होगा। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन नहीं करेंगे, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन नहीं करेंगे तो वो हमारी या तो सेकेंड होगी या थर्ड होगी। अगर आधा दिया है तो ये वाला यूज कर देना, अगर बिल्कुल नहीं दिया है तो ये वाला यूज करेंगे। मेथड क्या है, पैटर्न क्या है, ये समझने का विषय है। अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं कि किस वैरायटी को किस तरीके से लगाना है तो हमारे लिए समस्या नहीं बनेगी। अगर हम ये नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइप वन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टाइप वन की बात करते हैं, यानी व्हेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर गिवेन इन द क्वेश्चन, व्हेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर गिवेन इन द क्वेश्चन। जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्वेश्चन में गिवेन हो तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसका प्रोसीजर सीखिए। व्हेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर गिवेन इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्वेश्चन गिवन करेंगे, जैसे कहेंगे फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, कर्व लिख दिया एट द पॉइंट 2, 3, तो 2, 3 इज द पॉइंट वो गिवन है आपको क्वेश्चन। अभी एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ द कर्व, जो भी कर्व गिवन हो उसका डी वाई ओवर डी एक्स निकाल देना, पहला स्टेप, ठीक। स्टेप सेकेंड फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, कैसे, m इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट मतलब जो पॉइंट सवाल में गिवन हो उस पॉइंट को डी वाई डी एक्स में रख देना तो स्लोप निकल आएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट बाय m इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट, इस फॉर्मूले से आप टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड क्या कहती है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला।
क्या फॉर्मूला है डी वाई, फॉर्मूला क्या सुनिएगा, आपने 11th में पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, क्या फॉर्मूला पढ़ाएगा तो y माइनस वाई वन इज इक्वल एम एक्स माइनस एक्स, ये फॉर्मूला पढ़ा था तो यही by using following formula, यहाँ क्या लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम यहां से निकाला होगा ये x माइनस एक्स, x1 कामा वाई वन क्या है वेयर x1 कामा y1 आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा कौन x1 कामा y1, तो तीन स्टेप पर खेल है बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिएगा लॉजिक को, बिल्कुल तीन सिंपल स्टेप्स आप फॉलो करेंगे आपको फटाफट आंसर प्राप्त होगा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसका dy / dx कर देंगे, सिंपली डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया गया है ना, आपने डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से पढ़ाया। अब जिसको नहीं आता है ये तो बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि इतने समय बीतने के बाद आप इतनी अगर प्रैक्टिस की होंगी तो आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका होगा, उसमें कोई डाउट्स आउट बचा नहीं होना चाहिए है ना। हाँ अब यहाँ थोड़ी समस्या आ रही है हिंदी मीडियम वालों को, तो हिंदी मीडियम की क्लास अलग बनाई जाएगी, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से एक क्लास बनाई जाएगी, हर एक टॉपिक की वही क्लास हिंदी मीडियम में अलग बताई जाएगी, टोटल हिंदी में बताया जाएगा, तो इसलिए वो परेशान ना हो कि सर हमको नहीं नहीं आता, तो वो दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, मैं अपने हिसाब से समझ से जिसमें उनको सुविधा लगे वो देखेंगे, दोनों वीडियो हम डाल देंगे ठीक। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो तीन स्टेप, पहला स्टेप क्या है आप डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसका डी वाई डी एक्स निकाल लेंगे नंबर वन, जब डी वाई डी एक्स निकल आएगा तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला एम इक्वल टू डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट, एट द पॉइंट मतलब जो पॉइंट क्वेश्चन गिवन हो उस पॉइंट को डी वाई डी एक्स में रख देना, सेटिस्फाइड करा देना, फट से आपको एक वैल्यू न्यूमेरिकल मिल जाएगी, वो आपका क्या कहलाएगा स्लोप कहलाएगा। फिर ये फॉर्मूला लगाना वाई माइनस वाई वन इज टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एम यहाँ से मिल चुका होगा ये रख देंगे, एक्स वन कामा वाई वन क्या है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्वेश्चन में गिवेन होगा वो होगा, यहाँ रख देना फटाक से आंसर आ जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक तरीके से कॉपी पे अपने चढ़ा लीजिए बढ़िया अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो तो बता दें, जल्दी से नोट करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए है ना। हाँ कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। चले आगे बढ़े, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चंस की तरह पढ़ते हैं और क्वेश्चन को देख करके समझने का प्रयास करते हैं है ना, अपने पैटर्न को क्लियर करिए, कहीं कोई डाउट हो तो उसको क्लियर रख से उनको बता दीजिएगा है ना। आप पढ़ाई करिए क्योंकि अब समय बहुत ही कम है और आपने काफी समय बर्बाद कर रखा है। चलिए कोई बात नहीं, बर्बाद हुआ सो हुआ, क्या किया जाए। कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 67 एट द पॉइंट 2 कॉमा 0। इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का क्वेश्चन गिवन किया गया है। Find out the equation of the tangent. अब लिख नहीं रहा हूँ उतना, आपने लिखिए find out the equation of the tangent of the curve. ये curve है at the point, इस point पर आपने लिखा, ये आपका POC हो गया। POC मतलब point of contact हो गया। मतलब इस point पर आपको क्या निकालना है, tangent पे निकालना है। तो आपने question को दो बार पढ़ा, पता चला point of question, point of contact question ये given है। अगर given है, ये type कौन सी होगी? ये type first होगा। ये type first का question। क्या procedure है सर? फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, तो तुरंत आपने डी वाई, यहाँ क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लैंग्वेज आप लिखेंगे, तो डी वाई डी एक्स इसको कितना आ जाएगा 2x माइनस 5। अब इसके बाद इसका सेकंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम एम बोलते हैं, एम इक्वल टू क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट, एट द पॉइंट मतलब 2,0, तो 2,0 यहाँ लिख दीजिए, जैसे वैल्यू कितनी है 2 × 2 यहाँ रखिए 2,0 dx में 2,0 रखो तो x की जगह 2 और y की जगह 0, तो y तो है नहीं कहीं कोई बात नहीं, तो कितनी वैल्यू आएगी 4 - 5 यानी -1, ये आपकी क्या निकल आएगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स, वैल्यू बताओ y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है 0,
m, m की वैल्यू कितनी है माइनस की 1, x माइनस x1, x1 कितना है 2, रख दीजिए y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2, उठा के इधर ले आएंगे तो x प्लस 2, x प्लस y इज इक्वल टू 2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आंसर। बहुत ही सिंपल टास्क है, फर्स्ट टाइप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और वो दिया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इवन, तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, आपको दिखा रहे समझा रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और समझ में आ गया होगा, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। आप क्वेश्चन को क्लियर ढंग से समझने का प्रयास करिए फटाफट, ठीक है ना, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए अभी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, एक अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3y, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट 1, 1, इस पॉइंट पर 1, 1 पर। क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन क्लियर है, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, ये कर्व होगा एट द पॉइंट ए, पीओसी हो गया, पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। क्या प्रोसीजर करना है, सबसे पहले डिवाइड इस निकालिए 2x, ठीक है, प्लस 3dy over dx प्लस 2ydy over dx is equal to 0, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लैंग्वेज आप कितना जानते हैं, x स्क्वायर का 2x हो गया 3, ऐसे निकाला y का dy dx हो गया 2y का 2 पावर आ गया, एक पावर कम हो गई, फिर y का दोबारा तो dy dx, क्लियर है ना, इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन dy over dx 3 प्लस 2y is equal to minus का 2x, तो dy over dx is equal to कितने के माइनस का 2x अपॉन 3 प्लस 2y के, चेक करिए। अब क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी n is equal to, क्या फॉर्मूला होता है, dy over dx at the point 1, 1 पॉइंट दिया है ना, चलो रखो x की जगह 1, तो 2 into 1 अपॉन 3 प्लस 2 into 1 क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 2 यानी 5, तो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट माइनस 2 बाई 5। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसकी बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, क्लियर, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं। अब देखो ध्यान से सुनना, करना क्या है, करना क्या है, ये y माइनस y1, y1 कितना है 1, m m कितना है -2/5, x माइनस x1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू -2/5 x माइनस 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 5y minus 5 is equal to minus का 2x plus का 2, शिफ्टिंग करा दो, तो 2x plus 5y is equal to 7, this is answer, is it confirm and clear, I hope clear हो गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल टास्क है टाइप 1 में, टाइप 1 में कहीं कोई लापरवाही, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, अगर हो तो आप हमें बता दीजिए अभी, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत लग रही तो आप हमें बता दीजिए। तो ये समझ में आ गया, इतना खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी इक्वेशन नहीं पूछते हैं वो लोग, सिर्फ स्लोप पूछ करके छोड़ देते हैं, अगर स्लोप पूछेंगे तो जो माइनस टू बाई फाइव आए थे यहीं पे क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, यानी एक नंबर पे क्वेश्चन कभी भी फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट या स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल में क्या होता है, जो टेंजेंट का स्लोप होता है ना उसी का रिवर्स होता है और साइन चेंज हो जाता है, बस इतना याद रखना, नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो रिवर्स हो जाता है और उसका साइन चेंज हो जाता है, आगे पढ़ाएंगे लेकिन अभी फिलहाल इतना जान लीजिए आप, ठीक। हाँ, तो कभी कभी अगर स्लोप पूछे तो आप इतना ही करके इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए वहीं पे, ठीक है ना, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, अब देखिए ध्यान से कह रहे, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एंड फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट वाई इज इक्वल टू साइन x, साइन x नहीं साइन 2x है, साइन 2x प्लस कॉट x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन 2x प्लस कॉट x प्लस 6 का होल स्क्वायर एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, आगे का फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, यानी का फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन इनको चाहिए, किसकी इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट की, ठीक
किसकी क्वेश्चन चाहिए, टेंजेंट की। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन पार्ट टेंजेंट ही कर दूंगी। पॉइंट में इन्होंने थोड़ा बदमाशी कर दी, ये पीओसी जो है वो आधा है, हाफ दिया गया सर, हाफ पीओसी दे रहे हैं। व्हेन एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बदलाव शुरू हो गया, क्वेश्चन की वैरायटी बदलनी शुरू हो गई, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ आधा पॉइंट पकड़ाया गया है। क्वेश्चन को क्लियर करिए, इस क्वेश्चन में पीओसी पूरा नहीं दिया गया है, सिर्फ एक्स की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है, वाई को छिपा लिया उन्होंने। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो हमारे पास तीन चीजों कमी होगी, हमारे पास ना तो स्लोप है इस समय निकल पाएगा इसे, और ना हमारे पास एक्स वन और वाई वन होगा, एक्स वन तो है वाई वन नहीं होगा। तो प्रोसीजर सीखिएगा सर कैसे करना है, एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स इक्वल टू कितना है पाई बाई टू, उठा के इस कर्व में रख दीजिए, पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू रखिए, क्या वैल्यू आएगी, वाई इज इक्वल टू साइन टू पाई बाई टू, टू पाई बाई टू प्लस कॉट पाई बाई टू प्लस सिक्स का होल स्क्वायर। चेक करो, चेक करो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना, कहीं किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता दीजिएगा, एक मिनट। हाँ ठीक ठीक सही है, हम x की वैल्यू निकाल लें ना, तो जरा देखिए ध्यान से, ये साइन पाई बन जाएगा, साइन पाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कॉट पाई बाई टू कॉट 90 की वैल्यू जीरो होती है, प्लस सिक्स का होल स्क्वायर, यानी टोटल हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 36, यानी हेंस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज पाई बाई टू कामा 36। ये हमारा क्या बन गया, दिस इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनकर तैयार हो गया। चेक करिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमें, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनकर तैयार हो गया, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप हमें, है ना। हाँ चलिए, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तैयार हो गया। ठीक, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गया तो सवाल टाइप वन का बन गया, मतलब टाइप सेकंड को टाइप वन में तब्दील करने के सिर्फ इतना ही काम करना है, जो भी एक्स की या वाई की जो भी वैल्यू दी हो उसको कर्व में रख दे, सॉरी जो भी एक्स की या वाई की वैल्यू गिवन हो उसको कर्व में रखना, उससे जो भी वैल्यू नहीं गिवन होगी वो निकल आएगी, और उसके बाद सवाल टाइप वन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपकी जेब में आ गया, आ गया सर, अब इसका डिवाइडीएस काटना है, इसका क्या कर दिया जाए डिफरेंशिएशन, थोड़ा डिफरेंशिएशन टफ जरूर है, चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, पहले दो पावर आ गया है क्योंकि होल पावर लगी बेटा, दो पावर आ गया है, क्या क्या आ गया, साइन टू एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस 36। फिर क्वेश्चन हुआ क्या ये एक्स है, जवाब मिला सर एक्स नहीं तो कुछ और लिखा है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन हुआ, गुना लगा, दोबारा डिफरेंशिएशन, साइन टू एक्स का टू कॉस टू एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, 36 का जीरो, चेक कर लीजिए, 6 का जीरो, 36 नहीं 6 का जीरो, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। अब m कैसे निकलेगा, m इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, m इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट, पॉइंट क्या है पाई बाई टू कॉमा 36 लिख दिया। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, क्या वैल्यू आएगी, 2 ऐसे लिखा रहेगा, ब्रैकेट लगेगा, ठीक है लगा दिया, क्या किया लगाना ही पड़ेगा, साइन 2 इंटू पाई बाई टू प्लस कॉट पाई बाई टू प्लस 36 इंटू 2 कॉस 2 पाई बाई 3 ए 2 माइनस कॉस एक स्क्वायर पाई बाई 2। चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बता दीजिए, कहीं कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बता दीजिए, इतनी बातें आपके सामने तैयार होती हो रखनी है ना, कहीं कोई समस्या तो विषय हो तो बता दीजिए। साइन ये क्या बना, साइन पाई वैल्यू जीरो हो गई, ये क्या बना कॉट पाई बाई टू वैल्यू जीरो हो गई प्लस 36। देख लीजिए भैया, इतने कोई डाउट हो तो बताइए। इसके बाद यहाँ ये क्या बना पाई टू से टू कटेगा तो कॉस पाई वैल्यू कितनी होती माइनस वन, ये माइनस वन यानी माइनस वन जब होगी तो वैल्यू माइनस टू हो जाएगी। अब कॉसेक स्क्वायर पाई बाई टू, कॉसेक स्क्वायर पाई बाई टू तो कॉसेक की वैल्यू तो नहीं आती, साइन की वैल्यू आती साइन 90 की, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती 1, उसका रिवर्स यानी 1 का 1 तो ये 1। अब यानी वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसको हटा देते हैं ऊपर थोड़ा सा जगह बना देते हैं, इसको हटा दिया जाए, नीचे ज्यादा लिखी तो दिक्कत होगी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद हम लोग यहाँ आ गए ऊपर इस जगह से, ठीक है क्या आएगा
टू ऐसे लिखा था, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, दो से दो कट जाएगा तो क्या बना, साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू जीरो, कॉट पाई पाई की वैल्यू जीरो, प्लस 36 इंटू अपनी जगह पे इसमें टू से टू कट गया, कॉस पाई टू इंटू माइनस वन यानी माइनस टू हो गया, इसकी वैल्यू माइनस वन। चेक करो, चेक करो, सही है सर, सब कुछ सही है। दो गुणे 36 गुणे माइनस का तीन, चेक करिए, दो गुणे 36 गुणे माइनस तीन है ना, दो गुणे एक मिनट, 36 कहां से आ गए, 6 था ना शायद, एक मिनट होल, ये देखो यहां पे लग गया 36 नहीं रही भाई, इसका स्क्वायर रूट करना है, पावर दो पावर आ गई, इस ऐसे लिखा रहेगा 36 नहीं 6 रहेगा, गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही करना है, थोड़ा समय दीजिए, एक मिनट, अब कैलकुलेट करिए, तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 में 36 माइनस का 36, ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट का अगर इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन कैसे निकलेगी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट यहां देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, वाई माइनस वाई वन, वाई वन कौन है ये, एम, एम कितना है माइनस 36, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कौन है माइनस फाइव आई, अरे जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, और इसमें क्या करना है, इसका अंदर गुणा करा देना, कैलकुलेट कर देना, वाई माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस का 36 एक्स प्लस, ये कट जाएगा तो 18 पाई, ये उठा के डल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18 पाई प्लस 36 आंसर, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है टॉपिक कुछ कुछ भेजे के अंदर गया होगा, हमने दो वैरायटी की बात करी है, जब आपके पास पूरा पॉइंट गिवन हो और जब आपके पास आधा पॉइंट गिवन हो, दोनों तरीके के क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न पे देखते, मिटा दी सबको, मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई थी, छह को सही कर लेना है ना, करें फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y = 7x³ + 11, y = 7x³ + 11 when x = 2। अब देखिए फिर वही काम, ये कर्व है, ये आधा पॉइंट, कितना पॉइंट है ये, आधा पॉइंट, आधे पॉइंट को पहले पूरा पॉइंट बनाइए फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू करिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x = कितना 2 यहां रख दीजिए, y = 7 * 2 का क्यूब + 11 कितना आ जाएगा 8, 8 से 56, 56 प्लस 11 57, 67 67, y की वैल्यू 16 यानी हेंस POC इज POC यानी आप पूरा लिखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पता लगा, ये पैटर्न बना लो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू 2,67, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्या करना है, इस कर्व का डीवाई डीएक्स करा दीजिए, तो dy / dx इज इक्वल टू कितना, 7x² इसका 0 हो जाएगा, तो m = कितना निकलेगा, dy / dx एट द पॉइंट कितना 2,67 क्या वैल्यू आएगी, 21 * 2 का स्क्वायर कितना, 4 4 84 ये डिवाइड इज निकल आया, ये dy / dx निकल आया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1, x1 कितना है 2, कितनी वैल्यू आएगी 84, x माइनस 8 16, y माइनस 67 उठा के 1 प्लस 15 करा दो, इसको उठा के इधर भेज दो, इसको उठा के इधर ले लो, तो 168 माइनस 67 इज इक्वल टू 84 x प्लस y, क्या आ जाएगा 84 x प्लस y इज इक्वल टू सॉरी कितना है 101 आंसर। उम्मीद है, विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने दो बातें की हैं, अभी हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जब ना दिया हो, बिल्कुल ना दिया हो है, उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं इस पर डिस्कस नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ डिस्कशन जो किया है वो सिंपल क्वेश्चन टाइप वन एंड टाइप टू पे बात करी है, टाइप वन टाइप टू पे वार्तालाप किया गया है और इसी पे पैटर्न पे समझाया गया, आप अपनी किताब ढूंढेंगे, आपकी किताब में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आप करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो आप तो करते रहिए, लेकिन आपके पास जो भी किताब अवेलेबल है चाहे वो आर डी शर्मा हो जो भी है आप उससे करिए, और हमसे भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप, हम जो क्वेश्चन आपको करने गए उसमें जो पूछने कहेंगे उसको पूछेंगे, यानी कि आप उल्टा उल्टा भेजते रहो, जब क्लासेस चलेंगी तब हम आपकी सब बातें सुन लेंगे, अपनी इकट्ठा रखिएगा, 2-4-10 दिन हम लोग डिस्कशन इसी चीज़ का कर लेंगे, नहीं फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, ठीक है, इतनी बातें अब आपको क्लियर ढंग से समझ में आ गई, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक।
आपको लिंक मिल जाएगा, प्राइवेट पे लिंक आएगा। अब आपको लीगली आपको वहाँ पे वीडियो शो नहीं करेगा, यूट्यूब पे आपको वीडियो शो नहीं करेगा, हम आपको लिंक भेजेंगे तो ही आपको वीडियो दिखेगा, अदरवाइज वीडियो दिखेगा नहीं, ठीक है। इसलिए वेट करेंगे, परेशान नहीं होंगे जब आपके पास लिंक आएगा। अब हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं डालेंगे कि ग्रुप पे डाल दिया सब देखें ना, जिनकी फीस पेड होगी उनको पर्सनली मैसेज भेज दिया जाएगा करेगा, पर्सनल नंबर सेव करके सबको एक एक करके भेजेंगे, ठीक। तो अपने फीस पेमेंट को ध्यान में रख करके फीस पेमेंट करा दीजिएगा, क्योंकि अब बिना फीस के पढ़ाई कराना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत समय हो गया भाई, 2 महीने 2.5 महीने का टाइम हो गया है ना, फिर उसके बाद तो बड़ी समस्या होगी, हम आपसे फीस मांगेंगे, आपको कह रहे सर बस बहुत है, फिर बहुत को दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए फीस को टाइम पे जमा करना है, जो भी फीस उसमें लिखी होगी 300 रुपीज़ 400 रुपीज़ जो भी जैसी वीडियो की अकॉर्डिंग बताइए उसको आप ध्यान देंगे। थैंक यू।